मला असं म्हणायचं, केंद्राने जे पत्र दिलंय ते 5-7-8 राज्यांचा नावाचा उल्लेख करून दिलेला आहे, पण काल मी घेतलेला जो डिटेल रिपोर्ट आहे, रिव्ह्यू आहे, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकूण 135 केसेस आहेत, त्यामध्ये मुंबईमध्ये 85 केसेस आहेत, आणि ज्या महाराष्ट्राने 46,000 केसेस 60,000 केसेस दररोज पाहिल्यात, त्यामुळे अतिशय कंट्रोल्ड स्थिती आहे, कुठेही घाबरण्याचा विषय अजिबात नाही आहे. आणि मला असं वाटतं की वॅक्सिनेशनचं प्रमाण आपलं खूप चांगलं झालेलं आहे. आजही मुलांमधलं जे वॅक्सिनेशन आहे 12-15 वयोगट, 15-18 वयोगट, त्यामध्ये सुद्धा आम्ही सातत्याने प्रोत्साहन देतो आहोत की हे वॅक्सिनेशन करून घ्या म्हणून. स्कूल्सच्या मॅनेजमेंटला सांगितलं आहे, पॅरेंट्सला सांगितलं आहे, त्याची मोठी जनजागृती आम्ही करतो आहोत. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की वॅक्सिनेशन हे जे काही अँटीबॉडीज निर्माण करून स्वतःच्या प्रोटेक्शनसाठी महत्त्वाचं आहे, त्यामध्ये आपण खूप लक्ष देत आहोत. बूस्टर डोसच्या हद्दीपर्यंत सुद्धा आपण गव्हर्नमेंटकडून स्वतःहून करत नाही आहेत, किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी सुद्धा तशा निर्देश दिलेले नाही आहेत. पण ज्यांच्यामध्ये अँटीबॉडीज टेस्टिंग करून जर अँटीबॉडीज कमी असतील आणि वाटत असेल, तर त्यांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाऊन बूस्टर डोस घ्यायला हरकत नाही. प्रायव्हेटमध्ये आपण जो काही 200-225 रुपयाला जो बूस्टर डोस आहे, त्या रकमेला भरून आपण बूस्टर डोस घेऊ शकता, त्यामध्ये कुठली अडचण निश्चित प्रकारे नाही आहे. पण आज काळजी करण्याचा विषय कुठलाच नाही आहे. आपण निर्बंध पूर्ण मुक्त केलेले आहेत. मास्क मॅन्डेटरी होता, पूर्वी फाईन लावत होतो, आता मॅन्डेटरी नाही आहे. परंतु जे सिनियर सिटिझन्स आहेत, कोमॉर्बिड्स आहेत किंवा सहव्याधीवाले आहेत, त्यांनी निश्चित प्रकारे पब्लिक प्लेसेसमध्ये मास्कसुद्धा घालण्याच्या संदर्भातील काळजी घ्यावी, अशीसुद्धा मी विनंती या निमित्ताने करेल. आणि आपण लक्ष ठेवून आहोत, जर कुठलीही तशी परिस्थिती जाणवली जी पाश्चिमात्य देशामध्ये, युरोपमध्ये किंवा चायनामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळतीय, काही प्रमाणात दिल्लीमध्ये सुद्धा केसेस वाढत आहेत, तर त्या त्या पद्धतीनं ICMR, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि आमचं टास्क फोर्स, आमचा आरोग्य विभाग निश्चित प्रकारे या सगळ्या गोष्टी लक्ष ठेवून चेक करके अगर चाहिए तो वो प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स में बूस्टर डोस लगवा सकते हैं. सर, लेकिन कुछ राज्यों में जो है वो बताया जा रहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है, ऐसे में मांग ये हो रही है कि स्कूल भी जो है वो बंद हो गए, तो क्या महाराष्ट्र में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या स्कूल बंद किए जाएंगे, बच्चों को ध्यान में रखा है? मुझे लगता है आज महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है. बिल्कुल हमने पूरे रिस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स जो भी है हमने उठाए हैं और नज़र रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज इतने जल्द पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. और जो भी प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि किसी को अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसका जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं या डिस्टेंट कॉन्टैक्ट होते हैं, उसका पूरा सर्विलेंस करके उसका भी हम टेस्टिंग करने का काम निश्चित तौर पर कर रहे हैं. तो ट्रैकिंग ट्रेसिंग, ये जहाँ जहाँ भी जिस क्लस्टर में केसेस नज़र आ रहे हैं, उसमें हम ये काम बिल्कुल गंभीरता से जारी है. और मुझे यकीन है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पर ये सभी जो भी बातें हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से काम कर रहे हैं. सर, मास्क को लेके कुछ, सर मास्क को लेके एक फिर विचार किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बूस्टर डोज का स्टॉक कब से अवेलेबल कराया जाएगा? नहीं, बूस्टर डोज अगर उनको चाहिए तो गवर्नमेंट यानी कोई भी कंपनी से, चाहे वो तुम्हारा कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों भी स्टॉक्स बहुत ही संख्या में, मात्रा में उपलब्ध है. तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी उसमें परचेस कर सकता है और अपने अपनी तरीके से बूस्टर डोज दे सकता है. तो मास्क, सर आप जाना चाहिए, मास्क सर अगर देख रहे 17 मार्च 17 अप्रैल कुछ केसेस बढ़े, क्या मास्क लेके फिर वापस विचार किया जा रहा है कि मास्क लोगों के लिए मास्क के बारे में अभी हमने जो मैंडेटरी किया था यानी कंपल्सरी किया था, नहीं पहने तो फाइन लगाया जाता था, तो निश्चित तौर पर वो अभी वॉलंटरीली महाराष्ट्र में दिखाई. मैंने कल ही इसका ब्यौरा लिया कि क्या स्थिति है. हमारे जो संचालक है, मेरे डायरेक्टर हैं, जो नोडल ऑफिसर है, पूरा कोरोना अर्चना पड़ेगा, बहुत डिटेल में बात की. तो कल की जो स्थिति है वो 135 केसेस है, जिसमें 85 मुंबई में है, बाकी अन्य राज्यों के अन्य डिस्ट्रिक्ट में एक दो ऐसे. महाराष्ट्र ने जब 45,000 केसेस देखे हैं और अभी 85 केसेस अगर या 135 केसेस अगर टोटल, तो कोई घबरा
घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, या कोई भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। हमारे डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि बहुत ही नॉमिनल राइज मुंबई शहर की संख्या में हुई है, लेकिन वो आज एकदम कॉग्निजेंस लेने तरीका जो बहुत ही गंभीरता से लोग निश्चित तौर पर उसके बारे में हम नज़र रखे हुए हैं। और बच्चों के हद तक तो मैं ये कहूँगा कि 15 to 18 और 12 to 15 का जो एज ग्रुप है उसको भी हम वैक्सीनेट कर रहे हैं और 15 to 18 भी कर रहे हैं। रहा सवाल ये लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध भी है और हमारे गवर्नमेंट के सभी जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं उस पर हम निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन करने के लिए हम पूरी प्रोत्साहन या उनको एनकरेज कर रहे हैं। पालकों को भी यानी जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी हम कह रहे हैं, स्कूल में भी हम कह रहे हैं। रहा सवाल बूस्टर डोज के हद तक, तो बूस्टर डोज आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहीं पर भी बूस्टर डोज के बारे में जिक्र नहीं किया है कि बूस्टर डोज करना ही चाहिए, मैंडेटरी है, ऐसा कहीं नहीं किया है। लेकिन एक ज़रूर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर किसी को बूस्टर डोज लगवाना भी है तो अपने अपने तरीके से अगर उन्होंने एंटीबॉडीज़ की जो टेस्ट होती है, जो लेवल चेकिंग होती है, तो उसमें वो चेक करके अगर चाहिए तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सर, लेकिन कुछ राज्यों में जो है